मुश्किल है जीना। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का सबूत चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द अपने मॉम डैड को राजी करता हूँ। आप अपनी आंखों से ना ये मोहब्बत की पट्टी उतारें और तफ्तीश करवाएं। अगर रामी ने ये हरकत की होगी ना तो वाकई मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अन्ना माफी, कोई बहुत फिक्र हो रही थी फाइल की। अरे यार, ये उनके हाथ की सफाई तो नहीं? पुलिस अपना काम कर रही है। मेरा शक सारा सभी सही हुआ ना, सारा सभी। तो मैं उस शख्स को वैसे ही चलाऊंगा जैसे उसने मेरी बहन को चलाया। मैं ये फाइल हुमायूं तक पहुंचा दूंगी। सुंबुल का पूरा 20 तोला जेवर था, कहां गया, किसके पास है? कोई जबरदस्ती नहीं लिया था, उसने अपनी मर्जी से दिया था। और वैसे भी तुम तो एक ढेला भी नहीं देते। आप ही मैं बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। शराफत से वो कागजात मुझे दे दो वरना बहुत बुरा होगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं अब। सही कहते हैं लोग, ये जायदाद और पैसा एक फितना है। पहले जलाकर उसने अपनी बीवी को मार दिया और अब मुझे धमकी दे रहा है कि मेरा खून करेगा, मुझे मारेगा। देख रही हूँ आप, ये क्या कह रही है? तुमने संबल को जला के मारा था। भाई मेरी नहीं, इस फरा की हरकत थी सारी, सारा काम इसने बिगाड़ा था और अब नाम लगा रही है। अरे क्या बकवास है ये, जाओ देखिए इसकी अलमारी में, देखो वहीं के कागजात में उलझ गया होगा। हाँ, कोई तमाशा बनाया हुआ है, इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। और तुम अपनी जुबान पे कंट्रोल करो। सुंबुल का खून राय का नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ये बहन भाई खुद अपने मुंह से उगलेंगे, खुद ही लड़ मरेंगे। आप तो बुरा ही मान गई बेगम साहिबा, वरना दुनिया का तो यही असूल है। अब कौन से सुंबुल बाजी उनके घर हैं, और ना ही कोई इनकी औलाद है जो इनका सामान बटतेगी। आपने तो बहुत जहेज दिया था ना, वापस ले आए इनसे। क्या करूं सामान का, चूल्हे में डालो जब मेरी बच्ची ही नहीं रही। आपने तो सुंबल बाजी को बहुत जेवर दिया था, पता है सोने की कीमत लाखों में जा रही है। एक तो आपकी बच्ची मार दी, ऊपर से उसके सामान पर ऐश कर रहे हैं। वापस लेना उनसे। कसम ले लो मेरे बच्चों की कसम, मैंने कागजात नहीं लिए। तो वही तो कह रहा हूँ आपी, आखिर गए कहाँ कागज, अलमारी खा गई क्या? भाई अलमारी में तो कुछ भी नहीं है, देख लिया मैंने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुंबुल चुपचाप अपने घर वालों को दे आई हो? देखो ना आप, वो लोग कितने खामोशी से बैठे हुए। अभी कोई और होता शोर मचाता, पूछता, लेकिन देखो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है। यार मुझे अच्छी तरह याद है, उस दौरान सुंबुल अपने घर नहीं गई थी और ना ही उसके घर से कोई वापस आया था। चलती ढूंढो, ऐसा ना हो कहीं लेने के देने ही पड़ जाए। अरे भाई सुंबुल की मौत भी किसी काम ना आई, तो सोच रही हूँ अब क्या होगा, पेपर्स कहाँ गए। ऐसा करती हूँ मैं पूरे घर में तलाश करती हूँ, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएंगे। हो सकता है सुंबुल ने कहीं रख दिया हो और तुमको बताया ना हो। हो सकता है, लेकिन आप ही देखें, आपने कसम खाई है, आपने तो नहीं लिया ना। अब क्या दिल खोल कर रख दूँ, बताया तो है नहीं रखा, मैं तो खुद कर्जे की आस में बैठी हुई हूँ। मुदस्सिर ने कहा था तुम्हारे साथ कोई काम शुरू करेंगे। अम्मी, जेवर से याद आया कि सुंबुल को घर के पेपर्स भी तो दिए थे, वो भी वापस लेने होंगे। मैं साथ से बात करूंगा। हाँ हाय, ये क्या किया आपने, घर के कागजात भी उनको दे दिए। इसीलिए तो बच्ची को उन्होंने जलाया होगा ताकि घर पे कब्जा कर सके। बिल्किस, जाओ जाके अपना काम करो। मैं कल साथ के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि हमारे पेपर्स वापस करें, हमने अपना घर सील करना। उनका कारोबार वो लोग जाने। ठीक, बात करके देख लो, देखो क्या कहता। क्या मतलब कि क्या कहेगा? अब क्या हम साथ के कहने पर चलेंगे? अम्मी जरा सोचें, अगर कर्जे की रकम साथ वापस नहीं कर पाया तो नुकसान किसका होगा? पहले की बात अलग थी, सुंबुल की वजह से हम लोग खामोश थे, लेकिन अब किसका डर? कहते तुम ठीक रहे। सुंबुल ने
हमसे लड़के झगड़ के साथ से शादी की, हमसे खफा हो गए। हमें क्या पता था कि सुंबुल उस घर में अपनी मौत को लेके जा रही है। मुझे पहले से पता था वो लोग और वो घर हमारी सुंबुल के लिए ठीक था ही नहीं। मैं तो पहले से उस शादी के खिलाफ था। काश काश मैं सुंबुल को रोक सकता। अम्मी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके सामने सुंबुल का जिक्र ना करूं। आपको तकलीफ में देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करूं, मैं भी इंसान हूं, भाई था मैं उसका, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। अरे कहा तो है तुम्हें, सास से गलती हो गई होगी। अरे गलती से निकल गया होगा उसके मुंह से। वो पागल है कि अपनी बीवी को आग लगाएगा? अम्मा इतना भी बच्चा नहीं हूं मैं। साथ अपने मुंह से कहा है कि फरा ने किया है। दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। अब भाई फराज काला हो या पीला हो, जो होना था वो हो गया ना। ना सुंबुल वापस आएगी और ना ही वक्त पलटेगा। बस बात को खत्म करो। ऐसे कैसे बात को खत्म कर सकता हूँ? पहले मुझे बताएं कि क्या हुआ है सुंबुल के साथ, क्या किया है फरा और साध ने, ऐसे कैसे आग लग सकती है? अरे करना क्या है, चूल्हा साफ कर रही थी। अब तुम्हारी बीवी तो किसी काम को हाथ लगाती नहीं है, और तुम ना हो ना तो उसकी तो शक्ल भी नजर नहीं आती। अब कोई ना कोई तो घर में काम करेगा ना। ये अब रामीन बीच में कैसे आ गई? मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि आग कैसे लगी है। अरे बता तो रही हूँ कि चूल्हा साफ कर रही थी, गैस नहीं थी, चूल्हा गलती से खुला रह गया। अब सुंबुल को क्या पता कि चूल्हा खुला हुआ है, और हो सकता है उसे बदबू भी ना आई हो। अम्मा आप अभी भी कुछ छुपा रही हो, चलो छुपा लो, पता तो मैं करके ही रहूंगा। अच्छा मेरी बात सुनो, चलो सोच लो, तुम्हारे बहन या भाई से गलती हो भी गई तो तुम खोज लगाओगे क्या? उनका साथ नहीं दोगे, उन्हें बचाओगे नहीं? अम्मा मैं यही तो कह रहा हूँ, आखिर उनसे ऐसी गलती हुई क्यों? और अगर ऐसी गलती हो गई थी तो रामीन का बीच में नाम लेने की क्या जरूरत थी उन्हें, और आपने भी उनका साथ दे दिया। अच्छा बाबा कुछ नहीं कहते तुम्हारे रामीन को, लेकिन अब बात को तुम खत्म करो। देखो अगर पुलिस को शक हो गया ना तो वो एक एक बात उगलवा लेगी। बस अब बात को खत्म कर दो, अभी दोबारा इसका जिक्र ही मत करना। हाँ हाँ यार मैं रात में पहुंच जाऊंगा, तुम फिक्र नहीं करो, चल मैं रखता हूं। चाय ऐसे क्या देख रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हारे दिल से खौफ निकल गया है, तुम दोबारा से घर के काम कर रही हो। काम तो करना ही है ना, मैं नहीं तो और कौन करेगा। वैसे सच सच बताऊं मेरा अब इस घर में रहने को दिल नहीं करता। दिल नहीं करता इस घर में रहने को? अगर इस घर में नहीं रहोगी तो कहां रहोगी? पता नहीं, वैसे आपको ऑफिस की तरफ से हाउस अलाउंस मिलता है ना? हाँ मिलता है, लेकिन उसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि सारा अलाउंस अम्मा के पास जाता है। बहन की शादी करनी है, उसके लिए कमेटी डाली हुई है। पूरी सैलरी भी अम्मी ले लेती हैं और सारे अलाउंस भी। मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग अलग किसी जगह रेंट पर शिफ्ट हो जाएं। मैं भी कोई काम कर लूंगी, क्योंकि फराज अब मुझे यहाँ रहने से डर लगने लगा है। एक बात कान खोल के तुम सुन लो, मेरा जीना मेरा मरना इसी घर में होगा अम्मा के साथ, सुना तुमने? चाहे
मैं भी सुंबुल की तरह मर जाऊं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। और आंटी कैसी हैं? जिसकी जवान बहन लम्हों में खत्म हो गई हो, वो इंसान कैसा होगा? रामीन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वक्त है तुम्हारे पास? हुमायूं, इस वक्त तो कोई बात नहीं हो सकती है। फराज भी घर में ही हैं और घर का माहौल कौन सा तुमसे छुपा हुआ है। तो एक काम करो, तुम कल मेरे यहाँ आ जाओ, यहाँ मुलाकात कर लेते हैं। अच्छा, अगर मेरे घर आना सही नहीं लग रहा तो कहीं बाहर मुलाकात कर लेते हैं। तुम बताओ जगह, मुझे तुमसे सुंबुल के मुतालिक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँगी। और मैं खुद भी तुमसे मिलना चाहती थी, ज़रूरी काम था। अच्छा चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। जगह और टाइम तुम बता देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दादी, आज ना मेरे ऑफिस का पहला दिन है, तो आप दुआ कीजिएगा कि सब अच्छा हो, कोई रुकावट ना बने। अरे बेटा, तुम फिक्र ही मत करो, इंशाल्लाह तुम देखना सब कुछ ठीक होगा। बस अल्लाह का नाम लेके जाओ। जी। मुझे घर के पेपर्स जल्द हुमायूं को दे देने चाहिए। अभी मेरी कमरे की तलाशी नहीं हुई और अनम फरा को तलाशी लेने से भला कौन रोक सकता है। अगर किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रही हूँ तो क्या कहूँगी, क्या करूँ? हाँ, कपड़े सिलवाने का बहाना कर दूँगी। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ, फाइल चली कहाँ गई? आसमान खा गया, जमीन निगल गई, पूरा स्टोर छान मारा, हर चीज अतल पतल कर दी। मजाले जो एक कागज भी मिला हो। अरे अम्मा, दो तीन दिन पहले तुमने रद्दी दी थी, पेपर्स तुमने उसे रद्दी में तो नहीं दे दिए? अरे पागल हो गई हो क्या, या मैं अंधी हूँ? उसमें तो मैंने पुराने अखबार और कोई रिसाले दिए थे। इतने जरूरी कागजा दे दूंगी मैं जो मुमियारे कही जा रही हो? और बीबी तुम कहां जल्दी मुंह उठाकर, इधर आओ जरा। देखो बगैर पूछे कहां जा रही थी? वो ताई अम्मी, एक शर्ट थी वो सिलाई के लिए देनी थी, मैं जल्दी से देकर आती हूँ। तुम इस वक्त कहां जा रही हो? वो शुक्र है आज अपनी आंखों से देख लिया, वरना तो कब आती हैं कब जाती हैं कुछ पता नहीं होता। इतनी जहमत नहीं होती कि किसी बड़े से पूछ के चली जाए।
वो आपने एक सूट लाकर दिया था ना, बस वो ही सिलने के लिए देने जा रही हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। घर में जवान मौत हो गई और तुम नए कपड़े सिलवाती फिर रही हो। और अपने बेटे को भी तो देखिए, शॉपिंग करवा रहे हैं बीवी को और अम्मा को दिलाने के बजाय बताने की भी जहमत नहीं की, और आप कहती है मेरा बेटा मेरा बेटा। जरा सूट तो देखें क्या है, दिखाओ इधर क्या गुलाबी गुलाबी सूट है, मैं भी देखूं। साड़ी में कुछ नहीं है। अरे दिखाओ ना इधर। हाँ ये क्या है? अब कुछ नहीं ताई में। छोड़ो इसे, ताई में कुछ नहीं है वो। लो मिल गई फाइल। तुम हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? बात सुनो बीबी, ये आलू नहीं है, अदरक है, इसको छीलते नहीं है, खुरचते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, जज्बा अपा ने क्या कहा है राबिया से? अरे भैया क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? अरे क्या जज्बा की आदत को जानते नहीं हो? जो मुंह में आता है कह देती है। अम्मा ये क्या बात हुई, ये जरा सी बात नहीं है अम्मा। माना कि मैं चाहता था कि वो साथ के लिए राबिया को मांग लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी बेटी को ओछे हथकंडे सिखाए हैं। इस बात का तो जवाब लूंगा आपसे मैं। देखो तुम बात को बिला वजह तूल मत दो। सुना तुमने, मैंने कहा है ना मैं निमट लूंगी जज्बा से, और अभी दुकान से आयो, ना हाथ मुंह धोया ना कुछ करा, शुरू हो गए आते। जाओ पहले जाके फ्रेश हो जाओ। और तुम्हें सारी तफसील अजहर को बताने की बहुत जरूरत थी क्या? बड़ा मान था मुझे तुम पर शगुफ्ता। दादी वो अम्मी ने नहीं, मैंने अब्बू को बताया था। अब्बू फूफो के घर ले जाने की इतनी जिद कर रहे थे, अम्मी ने टाला भी, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे थे। है, ऐसा क्या काम था जज्बा क्या जो तुम्हें जबरदस्ती वो ले जा रहा था? कहीं रामीन से बात हुई होगी उनकी, और उस बेचारी के वही दुख। आप जानती तो हैं अजहर की आदत को, बेटियों के मामले में कितने नरम दिल हैं वो। रामीन का सुनकर उनकी आंखें भर जाती हैं। इसे दिलजोई के लिए कहा राबिया को, मगर इसने साफ इनकार कर दिया। अरे तो ना जाती, सारी तफसील बताने की क्या जरूरत थी बाप को? दादी जरूरी था, फुप्पो को ये पता होना चाहिए कि हर किसी पर उंगलियां नहीं उठाई जाती, कुछ लोग उंगलियों के रुख मोड़ना भी जानते हैं। ये बात तो है, बस सही कह रही हूँ, सही जा रही हो भाई तुम। मैं इसकी जान निकाल दूंगा, आखिर इसे समझे क्या है मुझे? मैं तो पहले ही कह रही थी कि यही आसिन का सांप है। अम्मा इसे देख के मेरा खून खौल रहा है। वैसे जहेज में तो एक टका नहीं लाई और करोड़ों की जायदाद लेके पता नहीं किसके साथ भाग रही थी। फराज भाई मैं तो कहता हूँ तलाक देकर ये मामला ही खत्म करें। आज चोरी की है, कल को कोई बड़ा काम कर देंगी। आप मुझे फायर कर रहे हैं? सर ये ऑफिस वर्क मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, इस छोटी सी गलती के लिए मुझे निकाले मत सर। आज मैं आपको एक और सच बात बताती, सुम्बुल जलकर नहीं मरी, बल्कि साद और फरहा ने मेरे धोखे में उसे जलाया था।